हम निमित्त बने, हमको अपने सौभाग्य को सराहना चाहिए, ये कारण तीसरा। वहां रुद्र के गणों ने बरेखी की, भगवान के प्रिय नारद जी ने उनको शाप दिया, भगवान को तो पहले ही दे चुके हैं, तो असुर शरीर में आए, भगवान अवतार लेकर के और उनको सदगति प्रदान के, बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। अब सरकार के पावन प्राकट्य उत्सव में धरती के आदि माता पिता माँ सतरूपा और मनु जी को दिए गए वरदान का एक चौथा कारण है। मनु जी ने भगवान से क्या मांगा? दान सिरो मन कृपा निधि नाथ कहो सत चाहो तुम ही समान सुत प्रभु सन को। अरे भगवान सोचने लगे ये क्या मांग दिया इन्होंने, तो मेरे ठाकुर ने कितना मधुर कहा, आप सर सर हो जाऊं कहां जाए, आप सर सर हो जाऊं कहां जाए। प्रभु मुझे वही अति प्रिय लगा, भक्तों की मति गति सदगति भक्ति जो होती है वो आपकी कृपा से हमको मिले। बस भगवान ने कहा मात विवेक अलौकिक तोरे कबहुन मिटी ही अनुग्रह मोरे, महाराज को लगा ये तो अधिक चला गया, तो सुत विषयिक तब पद रहती हो मुही बड़ मूड कहे किनको, ऐसा चरणों में दंडवत करते हुए मनु जी ने मांग दिया। जगत के जीव पिता का जैसे पुत्र में राग रहता है, प्रभु मेरा है आप में रहे जब आप हमारे पुत्र होके आए। भगवान ने आशीष दिया और कहा अब आप लोग समय पाकर अमरावती वास करेंगे, जब अयोध्या के राजा रानी होंगे तब हम अंशों सहित आपके पुत्र होके आएंगे। चौथा कारण पूर्ण होता है। पांचवें कारण में राम जन्म के पहले रावण के अवतार की कथा है। देखिए मनुष्य के जीवन में सब कुछ हो, ब्रह्मा जी की सृष्टि के प्रतिकूल चिंतन कदापि नहीं करना चाहिए। एक एक यज्ञ को हजार हजार नहीं दस दस हजार बार करने वाले कई कई नरेश सत्यकेतु महाराज के ज्येष्ठ पुत्र प्रताप भानु अनुज हरिवर्धन जरा मरण दुख रहित तनु, बुढ़ापा आवे नहीं, शरीर में दुख न हो, कोई शत्रु न हो, हम अजेय रहें और सौ कल्पों तक हमारा ही राज्य हो, ऐसा वरदान चाहे, परिणाम असुर हो गए।
ब्रह्मा जी की सृष्टि के साथ खेल नहीं करना चाहिए। यह मर्त्यलोक है, यहाँ जो आया है उसको जय जय होना है। लेकिन जब जीव को उत्पाद सूझता है तो यही सब खटरम बटरम करता रहता है। ब्राह्मण देवताओं को बस में करने के लिए यज्ञ बनाए और परिणामतः काल केतु ने आकाशवाणी कर दिया, ब्राह्मण देवता लोग वसन पाइएगा नहीं। अरे बना रसोई जय जय, विप्रों को विश्वास हो गया प्रकृति की रचना। ब्राह्मणों ने याचवन के जल से ही शाप दे दिया, मूल सकूल समूल असुर हो जाओ। बाबा याज्ञवल्क जी कहते हैं, काल पाई मोने सोनो सोई का परिणाम उपजये जत विपुलस्त कुल पावन अमल अनूप तदपि महेश्वर शाप बस भये सकल। रावण का समाज, आसुरी शक्तियां बड़ा हुआ, तीनों ने तप किया, जो धर्म रुचि उनका सचिव था विमात्रवाई विभीषण हुआ। बाबा भोलेनाथ कहते, देवी मैंने और पितामह ब्रह्मा ने जाकर वर दिया, रावण ने मांगा हम का होके मेरे ही नमारे वानर मनुष्य दास दुई बारे तथास्तु। कुंभकर्ण के पास गए, उसका स्वरूप देखकर लगा ये तो भोजन करेगा, तीन दिन में सृष्टि चौपट कर डालेगा। सरस्वती मैया को प्रेरित किए, उसकी मति पलटवाई, क्योंकि कुंभकर्ण वर मांगना चाहता, छः महीना जगूँ, एक दिन खाऊं, सो जाऊं, फिर जगूं और उत्पाद करता रहूं। भगवान ब्रह्मा ने मति पलटवाई, कुंभकर्ण वरदान उल्टा मांग गया, छह माह सोना, एक दिन जगना, खाना पीना, फिर सो जाना। रावण इस पर बड़ा क्रुद्ध हुआ है, लेकिन अब तो वरदान मिल गया। तथास्तु विभीषण जी के पास गए, गए विभीषण पास, मुनि कहे वो पुत्र वर मांग, तेहि मांग से भगवान तपत आस। विभीषण का समुदाय अपना बढ़ रहा है, रावण कुंभकर्ण का समाज अपना बढ़ रहा है। कैसा समाज? बाड़े खल बहु चोर जुबारा, जेल पट पर धन पर दारा, मान हिमात पिता नहीं देवा, जिनके यह आचरण भवान ते जान हो निश्चर। धरती पर सात्विक कर्म सुनाई नहीं पड़ते, जहां सुनाई पड़े रावण समाज या तो स्वयं दौड़ता था अथवा स्वजन परिजनों को लगा देता था। असुरों के विश्वकर्मा मैदानव ने अपनी पुत्री मंदोदरी का विवाह रावण से किया, पाताल जाकर दोनों भाइयों का राक्षस वित्त से विवाह करके ले आया। कुबेर महाराज देवराज इंद्र के खजानची जिस लंगा नगरी में रहते थे, परिकरों को लगाया उनको मार भगाई है। आहरण वृत्ति का पुजारी है रावण, दुनिया में जो सुंदर वस्तु दिखे रावण उसको अपना ही मानता था। उत्पात उसका इतना बढ़ गया, एक बार तो ज्येष्ठ भाई कुबेर पर धावा बोल दिया, पुष्प ज्ञान ही उनसे छीन लिया। ये पुष्प ज्ञान भरद्वाज ऋषि बनाए थे, महाराज रघु को भेंट किए थे और रघु जी महाराज ने कुबेर को दिया था, उनसे छीन लिया। उसका इतना आतंक, रावण आवन आवत सुने उ सकोहा, देवन तके मेर गिरी खोहा। क्यों? देवता जानते हैं कि रावण झुकेगा नहीं, इसलिए मेर के गुफा में छिप गए थे कि आएगा तो तने रहेगा, अभिमान तने रहता है साहब, अभिमान झुकने नहीं देता है, झुकता भी नहीं अपने को।
शरीर में जब तक शीलता ना होगी तब तक लोच नहीं होगा। शीलता जीवन का एक श्रृंगार है, इसका बड़ा विचित्र स्वभाव। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।